हनुमानडाल थाना क्षेत्र के लाल मैदान के पास 10 जनवरी की रात एक युवक पर गोली चलाकर प्राणघातक हमला करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। बीई और एलएलबी करने वालों इन युवकों ने जमीनी विवाद और पैसों की लेनदेन के चलते फिल्मों की तर्ज पर इस वारदात को अंजाम दिया था। हनुमानडाल थाना क्षेत्र के लाल मैदान के पास 10 जनवरी की रात इब्राहिम उर्फ इमरान नामक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों तौसिफ अहमद, आकिब उर्फ अस्कान और सोहेल अहमद को पुलिस ने दबोच लिया है। इनका चौथा साथी दानिश फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में उपयोग की गई पिस्टल, एक कारतूस, मोटरसाइकिल और तीन मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद और पैसों के लेन देन के चलते इन आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था। बीई और एलएलबी करने वाले तौसीफ ने इस पूरे कांड की साजिश रची और फिल्म देखकर उसी की तर्ज पर चारों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया, ताकि पुलिस और घायल इमरान का परिवार गुमराह हो जाए। इस वारदात को अंजाम देने के बाद तौसीफ और सोहेल प्लानिंग के हिसाब से ही इंदौर भाग खड़े हुए, जहां फरारी काटने के बाद दोनों 16 जनवरी को वापस जबलपुर लौट कर आए और पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। कल इनकी लोकेशन यहाँ की मिली थी तो पुलिस ने इनको यहाँ पकड़ा, इनसे पूछताछ की, आकिब से पूछताछ की, तो ये पता चला कि इन्होंने इस तरह की प्लानिंग की है। और उसमें इनके पास से एक जिंदा कारतूस मिला, एक पिस्टल मिली है, एक जिंदा कारतूस और तीन मोबाइल जब्त हुए हैं। और जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी थी MP17MZ4969, ये भी जब्त हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को प्रकरण में गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। इनके चौथे और फरार साथी दानिश की तलाश की जा रही है।